मित्रांनो, चला आता आपण तिसरा भंग अभ्यासूया। पतित पावन गाजे विद्रावळी, पूर्वावी आळी हिच माझी। या अभंगामध्ये संत निर्मळा सांगतात की हे माझ्या ईश्वरा, तुझ्या बाबतीत सर्व भक्तांमध्ये अशी भावना आहे की तू पती म्हणजे पापी लोकांना पावन म्हणजे पवित्र करण्याची विद्रावळी म्हणजे वसा घेतला आहे, तसे तू दुखी पीडित लोकांचे दुःख दूर करण्याचाही वसा घेतला आहे। त्यामुळे तुझ्याकडे माझी एक इच्छा आहे, आडी आहे, म्हणजे माझा हट्ट आहे की तू माझ्याही पापांना क्षमा करून मला पावन करून घे आणि माझ्याही दुःखांना दूर कर। इस अभंग में संत निर्मला कहते हैं कि ए मेरे राम, तेरे बारे में सभी बंदों में ये यकीन है कि तूने गुनहगार लोगों को गुनाहों से रोक कर उन्हें पाक दामन और नेक बनाने का कदम उठाया है और गमजदा परेशान हाल लोगों को गमों से निजात देने का भी कदम उठाया है। इसलिए मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरी भी एक जिद है कि तू भी मेरे तमाम गुनाहों को माफ करके मुझे भी पाक दामन और नेक बना और मेरे भी सारे गमों को और दुखों को दूर कर। विद्यार्थी मित्रांनो, चला आता अपन चौथा भंग अभ्यास लिया। उभाविटे वरी ठेवनी चरण, मन तसे बहीन चोखी याची। शेवटच्या या अभंगामध्ये संत निर्मळा म्हणतात की तुझा परम भक्त संत चोकामळा याची धाकटी बहीण निर्मळा तुझ्याकडे एक विनवणी करते की विटेवर तुझे उभे असलेल्या चरणांचे मला सदैव दर्शन घडू दे। इस आखरी अभंग में संत निर्मळा कहते हैं कि ए मेरे राम, तेरा जो परम भक्त है संत चोखामळा, उसकी मैं छोटी बहन निर्मला तुझसे एक गुजारिश करती हूँ कि तू ईंट के ऊपर कदमों पर खड़ा है, उन कदमों की जियारत मुझे हमेशा होने दे। धन्यवाद।